लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। रूसी के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर लगाए गए मौजूदा प्रतिबंध उसके लिए कष्टधारी जरूर है, लेकिन ये रूसी सेना को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध, जिसमें ज़ेलेंस्की ने दुनिया के देशों से अपील करते हुए कहा है कि वो रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जहां इस तरह का प्रतिबंध लगाया है, वहीं यूरोप रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर है। वे रूस से गैस ले रही हैं, वहीं बाइडेन प्रशासन भारत को रूसी ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच कई अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित कई मंत्री जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर सकते हैं। दरअसल यूक्रेन को समर्थन देने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से एक उच्च स्तरीय समिति कीव जाने वाली है। इसके बाद बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 9 अप्रैल को कीव जाकर हालात का जायजा लिया था। उधर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराना बंद करे। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका और नाटो देशों की ओर से यूक्रेन को भेजी जा रही खेप के अभूतपूर्व परिणाम हो सकते हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वह यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। रूस का कहना है कि यह रूसी धरती पर यूक्रेन के कथित हमले की प्रतिक्रिया है।